2024 लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद एक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है कि इस बार मोदी का मैजिक नहीं चल पाया है। बीजेपी अब की बार 400 पार का नारा लगा रही थी, पर जनता ने इस बार इन्हें 300 भी पार होने नहीं दिया है। और बीजेपी के लिए चौंकाने वाली बात यह है कि जिस अयोध्या राम मंदिर के नाम पर ये वोट मांगते घूम रहे थे, जनता ने इन्हें उसी कॉन्स्टिट्यूंसी फिरोजाबाद से बुरी तरह हरा दिया है। और उत्तर प्रदेश बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड माना जाता था, पर वहां भी इंडिया ब्लॉक पार्टीज ने बीजेपी से 10 सीट ज्यादा जीती हैं। इस बार के लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट से साफ जाहिर होता है कि सो कॉल्ड मोदी लहर को रियलिटी चेक मिल चुका है। 10 साल धर्म की राजनीति कर इस बार इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी ने साम दाम दंड भेंट की स्ट्रेटेजी को फॉलो किया था। जैसे कि बीजेपी ने इलेक्शन से पहले अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट करवाया, मीडिया के नैरेटिव को कंट्रोल किया, इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंट कॉम्प्रोमाइज किया और हर दिन मुसलमानों के खिलाफ नफरती बयान जारी कर हिंदू वोट हासिल करने की कोशिश की थी। पर इस बार ये सब करने के बावजूद बीजेपी को कोई फायदा हासिल नहीं हुआ है। 2019 में 303 सीट हासिल करने के बाद 2024 में बीजेपी 250 सीट भी पार नहीं कर पाई है। और वहीं दूसरी तरफ 2019 में सिर्फ 52 सीट हासिल करने वाली कांग्रेस पार्टी इस बार 2024 में करीब 100 सीट हासिल कर चुकी है। इस बार के रिजल्ट में जनता ने अपने वोट का सही इस्तेमाल कर नफरत फैलाने और अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले बीजेपी लीडर्स को करारा जवाब दिया है। इस ताल्लुक से तीन बड़े एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद हैं। पीएम मोदी अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी से अब तक की सबसे कम मार्जिन से जीते हैं। 2019 में मोदी 4.8 लाख की मार्जिन से जीते थे, पर इस बार मोदी को सिर्फ 1.5 लाख की मार्जिन मिली है। और यूनियन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी अमेठी से 1.6 लाख वोटों से बुरी तरह हार चुकी हैं। और प्रज्वल रेवन्ना, जिस पर सेक्सुअल असॉल्ट और हजारों रेप वीडियो बनाने का इल्ज़ाम है, वो अपनी फैमिली स्ट्रांग होल्ड सीट हासन में 42,000 वोट से बुरी तरह हार गए हैं। इस बार भारत के वोटर्स ने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सिंगल मेजोरिटी नहीं दी है और इस बार फिर से स्ट्रांग अपोजिशन आई है, जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बेहद ज़रूरी है। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए गुलबर्गा हेडलाइंस को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। This video presented by Peace Islamic International School Branch, Hagraga Road and Misbah Nagar, Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2024 admission started. Contact and visit school for more details.